ये यकम सितंबर 1859 की बात है, जब एक बरतानवी साइंसदान रिचर्ड कैरिंगटन ने सबसे पहले सूरज की सतह पर पैदा होने वाले सोलर फ्लेयर्स का मुशाहिदा किया। सोलर फ्लेयर्स की शक्ल में सूरज बेपनाह एनर्जी खारिज करता है, जो इसकी सतह पर सोलर सुनामी का बायस बनते हैं। अगरचे सोलर सुनामी से जमीन को कोई खतरा नहीं है, लेकिन सोलर फ्लेयर्स की पुरतशद्दुद कार्रवाई अक्सर खतरनाक तवानाई की सूरत में फटती है, जिसे कोरोनल मास इजेक्शन या CME कहते हैं। कोरोनल मास इजेक्शन की रफ्तार 800 से 900 मील फी सेकंड तक हो सकती है, लेकिन ये सुपर हीटेड रेडियो एक्टिव तवानाई का तूफान सूरज की सतह को छोड़ने के बाद कहां जाता है? बाज़ औक़ात तो ये कोई नुकसान पहुंचाए बगैर खला में बिखर जाता है, और बाज़ दफा इसका रुख हमारी जमीन की तरफ भी हो सकता है। कोरोनल मास इजेक्शन का बड़े पैमाने पर इखराज दरअसल जमीन के लिए वो सबसे बड़ा खतरा है, जिसको सोलर स्टॉर्म भी कहा जाता है। ये हमसे सिर्फ 93 मिलियन मील की दूरी पर सुपर हीटेड रेडियो एक्टिव चार्ज पार्टिकल्स को खला में फेंकते हैं, जिनमें से ज्यादातर को जमीन तक पहुंचने में कई दिन लग जाते हैं। लेकिन इनमें से कुछ पार्टिकल्स निजामी शमसी में 6 मिलियन मील फी घंटा की रफ्तार से सफर करते हुए हमारे सियारे तक 16 घंटे से भी कम वक्त में पहुँचते हैं। ये तूफान जमीन की बैरूनी फिजा में करंट पैदा कर सकते हैं, जो सैटेलाइट्स और क्रॉस कंट्री पावर ग्रिड्स को तबाह कर सकते हैं। लेकिन जमीन पर इस मुमकिन तौर पर खतरनाक धमाकों पर कौन नजर रखे हुए है? ये नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन का हेडक्वार्टर है, जो अमेरिकी हुकूमत का कौमी मौसमियाती इदारा है। इनकी मौसम पर नजर रखते हुए रोजाना की पेशेंटगोइयां हमारे इस सियारे पर रोजमर्रा की जिंदगी के लिए जरूरी मालूमात है। लेकिन पेशन गोई करने वालों का एक काम जाना पहचाना ग्रुप यहाँ पर एक खसूसी डिवीजन में काम कर रहा है, जिसे स्पेस एनवायरनमेंट सेंटर कहा जाता है, जिनका बुनियादी काम सूरज के अंदर होने वाली तब्दीलियों को मॉनिटर करना और वार्निंग जारी करना है। ये खलाई पेशन गोई करने वाले शमसी तूफानों, जो जमीन पर जिंदगी को दरहम भरम कर सकते हैं, के लिए हर वक्त हाई अलर्ट पर है। शमसी तूफान के बादल चार्ज शुदा पार्टिकल से मिलकर बनते हैं, इसलिए इब्तदाई तौर पर हमारी जमीन के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इनकी सिमत तब्दील हो जाती है। लेकिन हमारी मैग्नेटिक फील्ड सुपर परफेक्ट फील्ड फोर्स नहीं है, इसलिए कुछ ज़रात ऊपर की फिजा को चार्ज करते हुए इसमें घुस सकते हैं। शमसी तूफान जमीन के दूर दरार की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को भी मोड़ने और तोड़ देने की सलाहियत रखते हैं, जिससे चार्ज शुदा ज़रात शुमारी और जनूबी कुतबैन की तरफ फील्ड लाइन्स के नीचे जिप हो जाएंगी। इंतहाई ताकतवर शमसी तूफान मैग्नेटिक मैदान को और ज्यादा बिगाड़ देने और इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस करने की सलाहियत रखते हैं, जो तमाम कॉन्टिनेंट्स तक फैल जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो लंबी दूरी के पावर लाइंस ओवरलोड हो सकती हैं और ये लाइन के दोनों सिरे पर मौजूद ट्रांसफार्मर्स को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अगर हमारी तरफ वो सोलर स्टॉर्म आ जाए जो हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम से टकराने की सलाहियत रखता हो, तो हमारी पावर कंपनीज और इन तमाम चीजों से टकरा सकता है जिन पर हम इनहसार करते हैं, जिससे हर तरफ अफरा तफरी फैल सकती है। 1999 में कनाडा के सूबे क्यूबेक का बेशतर हिस्सा ब्लैकआउट हो गया, क्योंकि शमसी तवानाई से एक ट्रांसफार्मर उड़ गया था। अगर पावर ऑपरेटर्स के पास इस तूफान से निपटने के लिए रद्दे अमल का वक्त हो, तो वो अपने इन तारों पर भेजे जाने वाले करंट को कम या बंद कर सकते हैं और एक बड़ी तबाही को रोक सकते हैं। इसी तरह सैटेलाइट ऑपरेटर्स भी मुनासिब वक्त पर दी गई वार्निंग को मद्देनजर रखते हुए इस हमले के खिलाफ बर वक्त तैयारी कर सकते हैं। जब कोई बड़ा शमसी तूफान आए तो वो अपने सैटेलाइट्स को स्लीपिंग मोड पर रख सकते हैं, ताकि ये तूफान इलेक्ट्रिक शॉर्ट का बायस न बने। शमसी तूफान हवाई जहाज के लिए इस्तेमाल होने वाली हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो कम्युनिकेशन में भी खलल डाल सकते हैं। 1980 में एयरफोर्स वन सदर रेगन को चीन के दौरे पर ले जा रही थी, जब एक सोलर स्टॉर्म आया। एयरफोर्स वन से तमाम कम्युनिकेशन सिस्टम मुनकता हो गया, जिसकी वजह से अमरीकी हुकूमत के सरबराह का रबता कई घंटे तक मुनकता रहा। हमारी जमीन पर मैग्नेटिक फील्ड की लाइन्स नॉर्थ और साउथ पोल से निकलती हैं, इसलिए सोलर स्टॉर्म से आने वाली एनर्जी इन खित्तों को बआसानी मुतासर कर सकती है। इसलिए माहिरीन को खदशा है कि वो हवाई जहाज जो एक सोलर स्टॉर्म के दौरान इन कुतबैन के ऊपर उड़ रहे होंगे, को नुकसानदेह तापकार शुआओं का सामना करना पड़ सकता है। सनस्पॉट ज्यादा शदीद शमसी तूफानों के मुहर्रक होते हैं, इसलिए पेशेंटगोई करने वाले इन्हें एहतियात से ट्रैक करते हैं, क्योंकि वो सूरज की सतह पर घूमते हैं। जब सनस्पॉट्स का रुख बिल्कुल जमीन की सीध में हो, तो अगर इस वक्त कोई बड़ा तूफान निकलता है तो बराह रास्त जमीन पर निशाना लगा सकता है, और वो तूफान पूरी कुव्वत के साथ कुरे अर्ज़ से टकरा जाएगा। ये बिल्कुल एक शॉट गन की तरह है, जो किसी हदफ को निशाना बना सकती है। लेकिन इन खतरों के साथ हैरान कुन खूबसूरती भी आती है। शमसी तूफान शानदार सियारों के लाइट शोज पैदा करते हैं, चमकते हुए रोशनी के पर्दे, जिन्हें अरोरा कहा जाता है। जब शमसी तूफान में तवानाई बख्श ज़र्रात जमीन के मैग्नेटिसी मैदान के साथ कुतबैन की तरफ जाते हैं, तो हमारी फिजा में ऐसे अनासर को उकसाते हैं, जिसकी वजह से वो चमकते हैं। ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल सब्ज या सुर्ख रंग खारिज करते हैं, और नाइट्रोजन गुलाबी, ब्लू और वायलेट कलर खारिज करते हैं।
1859 में एक सोलर फ्लेयर के नतीजे में पैदा होने वाले सोलर स्टॉर्म ने रोम के जरूर में अरोरा को पैदा किया। 1859 के शमसी तूफान एक गैर मामूली तौर पर ताकतवर वाकया था, जिसे कुछ लोगों ने परफेक्ट सोलर स्टॉर्म कहा। ये सोलर स्टॉर्म इतना शदीद था कि सिर्फ एक दिन के अंदर ये 93 मिलियन मील का फासला तय करते हुए जमीन से टकराया। जमीन पर मौजूद बिजली की तारें स्पार्क करना शुरू हो गई, जिसकी वजह से आग लग गई। दुनिया का कारोबार रुक गया और ठीक इसी वक्त दुनिया के आसमान पर अरोरा ने शहर को रोशन कर दिया। खुशकिस्मती थी ये सोलर स्टॉर्म उस वक्त जमीन से टकराया जब हमारा टेक्नोलॉजी पर इंसार सिर्फ टेलीग्राफ तक महदूद था। इस दौर के बाद हम जदीद टेक्नोलॉजी पर इंसार करने लगे हैं। क्या ऐसा वाक्य दोबारा पेश आ सकता है और क्या एक और परफेक्ट सोलर स्टॉर्म आ सकता है? तो उसके जवाब है हाँ, यकीनन ऐसा हो सकता है। ये तूफान हमारी जदीद टेक्नोलॉजी को तबाह कर सकता है। जरा तसव्वुर करें कि क्या हम सेल फोन्स, टेलीविजन सिग्नल्स और बैंकिंग सिस्टम को चलाने वाले तमाम सैटेलाइट्स को खो बैठेंगे और एक ही वक्त में तमाम पावर ग्रिड्स उड़ जाएंगे, जिसकी वजह से हम कई घंटों बल्कि कई दिनों तक तारीकी में डूब जाएंगे। और अगर इन जरूरी सर्विसेज को बरवक्त बहाल न किया गया तो हर तरफ अफरा तफरी का आलम होगा। ये यकीनी तौर पर जमीन पर रहने वाले हर मर्द, औरत और बच्चे पर असरअंदाज होगा। सोलर स्टॉर्म की पेशेंटगोई करना इतना ही मुश्किल काम है जितना कि किसी समुद्री तूफान की पेशेंटगोई करना। अगरचा माहरीन के पास अगले परफेक्ट सोलर स्टॉर्म की पेशेंटगोई करने के लिए टेक्नोलॉजी की कमी है, लेकिन वो ये जानते हैं कि सूरज के 11 साल सन स्पॉट की पीक पर इसके वकूफ पजीर होने का इम्कान ज्यादा होता है। सूरज हर 11 साल बाद अपने मैग्नेटिक फील्ड की सिमत को पलटता है। 22 सालों में ये दोबारा अपनी पहली पोजीशन पर आ जाता है, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ सनस्पॉट्स की तादाद में इजाफा होता जा रहा है और इसी तरह सोलर एक्टिविटीज में भी इजाफा होता जा रहा है। समुद्री तूफान के मौसमों की तरह शमसी तवानाई की ज्यादा से ज्यादा शिद्दत में फर्क होता है। कुछ दूसरों के मुकाबले में बहुत ज्यादा ताकतवर तूफान पैदा करते हैं और कुछ पुरसकून रहते हैं। साइंसदान ये देखने के लिए हमारा कोशा है कि अगला शमसी तूफान ज्यादा से ज्यादा क्या तबाही फैला सकता है। क्या हमें 1859 के वाक्य से मिलते जुलते वाक्य का दोबारा सामना करना पड़ सकता है? अगर आज ऐसा होता है तो इसका नाकाबले बयान नुकसान होगा। सोलर एक्टिविटी में शिद्दत इसके बैरूनी माहौल, जिसे कोरोना कहा जाता है, में आती है। ये खिता तवील अरसे से एक अजीम शमसी इसरार का हामिल है। हालांकि यह हरारत पैदा करने वाले मरकज से 500,000 मील दूर है। ये लाखों डिग्री पर जलता है। ऐसा लगता है कि ये फिजिक्स के कवानीन की खिलाफ वर्जी है। ये बहुत अजीब बात है। कौन सी कुव्वत मुमकिन तौर पर कोरोना के सुपर हीटिंग का सबब बन सकती है? इसका जवाब सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। कोरोना का दर्जा हरारत लाखों डिग्री तक जा पहुंचता है। सदियों से साइंसदान हैरान है कि सूरज के मरकज से ज्यादा अब तक कोई भी चीज इतनी गर्म कैसे हो सकती है। हाल ही में सैटेलाइट ने सूरज का करीब से नजारा पेश किया। सुराग मिलना शुरू हुए। कोरोना के नीचे सूरज की सतह लफ्जी तौर पर उबल रही है। इसकी वजह यह है कि सूरज की पूरी सतह कन्वेक्शन सेल से ढकी हुई है। सूरज की सतह के अंदर से गर्म मवाद जो नीचे से ऊपर आता है, सतह पर पहुंचता है, चमक कर ठंडा हो जाता है, सूरज की रोशनी को छोड़ता है और फिर वापस नीचे डूब जाता है। लिहाजा ये एक जबरदस्त अमल है जो लफ्जी तौर पर सूरज की पूरी सतह पर तकरीबन 10 लाख जगहों पर 24 घंटे हर वक्त हो रहा है। यो बोलना न सिर्फ पुरतशद्दुद है बल्कि ये इंतहाई बुलंद आवाज भी है। ये इंतहाई बुलंद आवाज साउंड एनर्जी के तौर पर काम करती है, जो मैग्नेटिक वेव्स के साथ मिलकर कोरोना को लाखों डिग्री तक गर्म कर देती है। सूरज हमारे निजामे शमसी का वो चमकता हुआ सितारा है जो हैरत अंगेज खूबसूरती और जबरदस्त तशद्दुद दोनों का हामिल है। इस बात पर यकीन करना नामुमकिन सा लगता है कि ये हमेशा के लिए नहीं रहेगा। आखिरकार सूरज को भी मरना है। सूरज के मरकज में ईंधन की एक मुकर्ररा मिकदार है, जिस रेशो से फ्यूजन के अमल से गुजर रहा है और जितनी मिकदार में अपना ईंधन खर्च कर रहा है, इस हिसाब से हमारे सूरज की जिंदगी 5 अरब साल है। लेकिन हमारा सूरज एक धमाके की सूरत में नहीं फटेगा, क्योंकि यह सुपरनोवा की सूरत में फटने के लिए बहुत छोटा है। चुनाचे जैसे ही अपना हाइड्रोजन ईंधन खत्म कर देगा, यह ठंडा हो जाएगा और कशिश शक्ल की कुव्वत के तहत आहिस्ता आहिस्ता अपने मरकज में गिर जाएगा। इस गिरने के अमल के दौरान पैदा होने वाली तवानाई कोर को दोबारा लाखों डिग्री तक गर्म करना शुरू कर देगी, जो हीलियम को जलाने के लिए काफी होगी। हीलियम के जलने की इजाफी गर्मी पर सूरज एक बहुत बड़े मीदार में फैल जाएगा, जिसे रेड जायंट कहा जाता है। ये इतना बड़ा हो जाएगा कि ये मरकरी, वीनस और अर्थ के पूरे मीदार को अपनी लपेट में ले लेगा। लेकिन हो सकता है जैसे सूरज फैलना शुरू होगा तो जमीन अपना मीदार किसी हद तक तब्दील कर ले, इसलिए हो सकता है कि ये जमीन को ना निकल सके। हमारे सूरज की बैरूनी परतें आखिरकार इतनी गैर मुस्तहकम हो जाएंगी कि वो खला में उड़ जाएंगी और जमीन के साइज के बराबर एक छोटा सा हिस्सा कोर की शक्ल में छोड़ जाएंगी।
हमारा एक जमाने का अजीम सितारा आहिस्ता आहिस्ता ठंडा हो जाएगा। जिंदगी जैसा कि हम जानते हैं जमीन पर इसका वजूद खत्म हो जाएगा। ये सब नस्ल इंसानी के लिए एक बुरी खबर है, लेकिन हमारे पास इस तबाही की तैयारी के लिए अभी 5 अरब साल बाकी हैं। अभी के लिए हमारे लिए इतना काफी है कि इंसानियत सूरज की चमक में खूब पनप रही है।